गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनिंदर कौर है ते मेरी पोस्टिंग तुतारा वाली स्कूल डिस्ट्रिक्ट फाजिलका विच एज ए हेल्थ केयर ट्रेनर हैगी। अज मैं तुहानू जिहड़ियां एब्रीवेशनस हैगियां उन्हां दियां टाइप ते मीनिंग जिहड़े उहदे बारे दस्सांगी। ए सी बिफोर मील्स, ठीक है। कोई मेडिसिन आपां लैणी है खाना खाण तों पहलां, ठीक है, मरीज़ नूं दी फाइल ते आपां ए सी लिख दिंदे आ। ये की इंडिकेट करती है भी तुसीं आह दवाई खाना खाण तों पहलां लैणी है। ए आई डी एस एड्स, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम हैगा, एक बीमारी हैगी है। बी आई डी ट्वाइस अ डे, मतलब मेडिसिन जिहड़ी तुसीं लै रहे हो दिन विच 2 बार लैनी है। बी पी ब्लड प्रेशर, ठीक है, अपना ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर हैगा उहदे वास्ते आपां बी पी जिहड़ा हैगा एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। सी ए पी कैप, कैप मतलब कैप्सूल, ठीक है, मेडिसिन दी एक टाइप हैगी है। सी ए पी लिख के आपां उस कैप्सूल का नाम लिख देने हैं। सी बी सी कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, एक टेस्ट हैगा जिहदे विच पूरे ब्लड का जिहड़ा टेस्ट हुंदा हैगा, तो उस टेस्ट नूं आपां की बोलते हैं, सी बी सी कंप्लीट ब्लड काउंट। सी टी कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट की टाइप हैगी है जिहड़ी कैंसर वाले जिहड़े पेशेंट हैगे उन्हां ते आपां यूज़ करते हैं, ठीक है, इहदे विच मेडिसिन दे के जिहड़ा कैंसर हैगा उहनूं क्योर किया जाता है। सी ई सी टी इलैक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी, ये जिहड़ी थैरेपी हैगी आ जिहड़ा सीजर पैंदे आ, सीजर मतलब फिट पैंदे आ किसी नूं, ठीक है, फिट नूं कंट्रोल करन वास्ते आपां इस थैरेपी दा प्रयोग करदे हैगे आ। एच ए हैडेक, ठीक है, हैडेक मतलब सिर दर्द हो रहा हैगा, तो उस उहदे वास्ते आपां कीहड़ी एब्रीवेशन यूज़ करदे आ, एच ए। आई सी यू इंटेंसिव केयर यूनिट, ये भी एक डिपार्टमेंट हुंदा जिवें मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर, एवें एक आई सी यू डिपार्टमेंट हुंदा, ठीक है, इहदे जिहड़ा बहुत ही क्रिटिकल मरीज़ हुंदा उहनूं आपां शिफ्ट करदे हैगे, उस डिपार्टमेंट नूं आई सी यू बोलते हैं। एम एल मिली लीटर, ठीक है, जिमें जी एम ग्राम हो गया उवें एम एल मिली लीटर हैगा। एन सी पी नर्सिंग केयर प्लैन, पी टी फिजिकल थैरेपी, ठीक है, एक मतलब थैरेपी हैगी है जिहदे विच कि पूरी बॉडी नूं मूव करवाया जाता, उहदे विच आपां की करांगे पी टी लिख दिंदे हां। क्यू डी ईच डे, कोई मेडिसिन मतलब आपां लैणी हैगी है दिन विच 1 बार, उदों क्यू डी लिख दिंदे हां। क्यू आई डी 4 टाइम अ डे, मतलब कोई मेडिसिन दिन दे विच तुसीं 4 बार लैनी है, तो मेडिसिन दा नाम लिख के पिछे की लिख देंगे आपां, क्यू आई डी। आर डी एस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये की हैगा, एक रेस्पिरेटरी मतलब प्रॉब्लम हुंदी है जिहदे विच आपां नूं साह लैण दे विच तकलीफ आ जाती है, अपनी ब्रीथिंग रुक जाती है, उस डिजीज़ नूं आपां आर डी एस बोलते हैं। एस ओ बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रैथ, ये की होंगे अपने जो सह है वह अपन थोड़े थोड़े सह आते हैं। टी ते टैंपरेचर, टैंपरेचर मतलब अपना ह्यूमन बॉडी का जो तापमान हैगा, ठीक है, उन्होंने आप जो नोट करना टी पा के जिन्ना भी आता, जिमें 98.6 डिग्री फॉरनहाइट अपना टैंपरेचर नॉर्मल हैगा, तो जिन्ना भी आऊगा आप नोट कर दें। टी आई डी मतलब 3 टाइम अ डे, कोई मेडिसिन दिन में आप 3 बार लैनी है, जिमें सुबह दोपहर तो शाम, तो मैड की करांगे मेडिसिन का नाम लिख देंगे, तो लास्ट में आप पा दें टी आई डी, ये इंडीकेट करता भी तुम ये मेडिसिन दिन में कितने बार लौंगे, 3 बार। टी ए बी टैब, टैब मतलब टैबलेट, जी मेडिसिन हैगी टैबलेट्स के रूप में हैगी है, जिमें मेडिसिन के टैबलेट में आँदी है, कैप्सूल के रूप में आँदी है, इंजैक्शन आँदी है, ठीक है, बूंदा के रूप में आँदी है, उमें टैबलेट हैगी। यू टी आई यूरिनरी ट्रैक इनफेक्शन, एक ही यूरिनरी जिहड़ा ट्रैक हैगा उहदी एक इनफेक्शन हुंदी हैगी, लाग हुंदी हैगी आ। ओ आर एस ओरल रीहाइड्रेशन सल्यूशन, ये जिहड़ा घोल हैगा डायरिया ते वोमिटिंग जिन्हां नूं होई हुंदी है ना पेशेंट्स नूं, उहनूं आपां ये घोल जिहड़ा हैगा उह रेडी करके दिंदे आ। इस घोल नाल की हैगा उहनां दे विच जिहड़ी पानी दी कमी हैगी उह पूरी हो जांदी आ, तो उस घोल नूं आपां की बोलदे आ, ओरल रीहाइड्रेशन सल्यूशन। जी डी ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। एच ए आई हॉस्पिटल अक्वायर्ड इनफेक्शन, ये जी इनफेक्शन हैगी इनू हॉस्पिटल अक्वायर्ड इनफेक्शन तो बोलते हैं, भी ये जी इनफेक्शन है ना मरीज़ को हॉस्पिटल में आने तो बाद होती है, पहले नहीं हुई होती, तो उस उसकी फाइल पर आप लिख दें एच ए आई, मीनस ये जी लाग हैगी मरीज़ को हॉस्पिटल में आके हुई है। होर भी काफ़ी जड़िया फुल फॉर्म है, मतलब जिन्होंने मानता मिली हैगी तो रूटीन के आप यूज़ कर दें, जिमें एन ओ पी नील पर ओरल भी कुछ मतलब आप मूँह के राही नहीं लैना, ठीक है, जो किसी का कोई मतलब ऑपरेशन वगैरह होंगे हैगा तो वो फाइल के उपर लिख देंगे है एन ओ पी मतलब नील पर ओरल, यानी मूँह राही कुछ भी नहीं लैना, ठीक है,
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।